हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को अपन ए ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए मीन्स एडिशन, ई मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन। रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, मतलब अल्कीन पे आपको एडिशन करना है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो अगर अल्कीन पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेंगे तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्किन। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मीन्स ए ई इन अल्किन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन अल्किन, ये दो मैकेनिज्म से होता है। एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटायन और दूसरे में फॉर्म होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। मतलब एक में मैं बोल सकता हूँ वाया क्लासिकल कार्बोकेटायन, और सेकेंड मैकेनिज्म है वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि कार्बोकेटायन दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो ये दोनों क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कुछ ऐसे कार्बोकेटायन लूं, जैसे H प्लस ले लूं, CH3 प्लस ले लूं या फिर R प्लस ले लूँ, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, राइट। तो ये कार्बोकेटायन है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे कार्बोकेटायन ले लूँ, जैसे मान लो Cl पे प्लस है, Cl प्लस मीन्स इसके पास 3 लोन पेयर रहेगा। सिमिलरली Br प्लस ले लूँ, तो इसके पास लोन पेयर भी रहेगा, प्लस प्लस चार्ज भी रहेगा। Hg2 प्लस ले लूँ, इसके पास भी लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आप लोग कि दो टाइप के कार्बोकेटायन हैं, मीन्स दोनों पे ही प्लस चार्ज है। लेकिन जो मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है H प्लस CH3 प्लस R प्लस, इन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन लोन पेयर नहीं है। जैसे हाइड्रोजन पेयर H प्लस में मैं बात करूं, तो H प्लस में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है लेकिन लोन पेयर नहीं है। तो अगर ऐसे कार्बोकेटायन जिनके पास लोन पेयर नहीं है, या ऐसे पॉजिटिव चार्ज जिनके पास लोन पेयर नहीं है, इनको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो वो क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होंगे, जिनके पास नो लोन पेयर होगा, मतलब लोन पेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो और साथ में लोन पेयर भी हो, विथ लोन पेयर, तो अगर लोन पेयर भी है तो इनको बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो आई होप आपको क्लासिकल कार्बोकेटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का डेफिनेशन समझ में आ गया। क्लासिकल कार्बोकेटायन मीन्स ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में लोन पेयर नहीं हो, इनको क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलेंगे। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होगा, ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में उन पे लोन पेयर भी हो। क्लियर है। तो अभी के इस टॉपिक में हम सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाया क्लासिकल कार्बोकेटायन पढ़ने वाले हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बाद में पढ़ेंगे, मतलब वो नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो चलिए अपन नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, एडिशन वाया क्लासिकल कार्बोकेटायन एडिशन वाया क्लासिकल कार्बोकेटायन। चलिए मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई अल्कीन है सी डबल बॉन्ड सी, इस पे लेट्स से कोई ई सिंगल बॉन्ड एन यू का अटैक हो रहा है और ये फॉर्म हो रहा है ई सिंगल बॉन्ड सी, एक पे ई और एक पे एन यू, ये रिएक्शन है। तो अल्कीन पे ई एन यू का एडिशन है। अब देखते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, अगर मैं इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताऊं, तो ये जो ई एन यू है, पहले आप ये समझें, ई मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, एन यू मीन्स न्यूक्लियोफाइल है। तो ई एन यू ब्रेक होगा, जब ये ब्रेक होगा तो ये ई प्लस और एन यू माइनस में ब्रेक होगा। आप समझने का ट्राई करें, जैसे मान लीजिए एच सी एल है, इमेजिन करें, तो ये किस में ब्रेक होगा, एच प्लस और सी एल माइनस। तो H प्लस को मैं इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूँ, Cl माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूँ। क्लियर है। तो वैसे ही कोई जनरल ई एन यू है,
ई एन यू में मतलब ई वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक है, एन यू वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये ब्रेक होगा ई प्लस और एन यू माइनस में, राइट। अब क्या होगा अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड सी है। अब देखिए सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन है ये, राइट। अल्कीन मीन्स इसके पास पाई बॉन्ड है। अगर इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? पाई बॉन्ड मीन्स ये ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब ये ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, इस पे कौन अटैक करेगा? दिमाग लगाओ, ई प्लस अटैक करेगा या एन यू माइनस अटैक करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल पे ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसीलिए सबसे पहले ई प्लस अटैक करेगा। ये सी डबल बॉन्ड सी अपना इलेक्ट्रॉन ए प्लस को डोनेट करेगा, राइट। तो ये बन जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ई, और एक सी पे आप प्लस लिख दें। अच्छा ये रिएक्शन मैंने कैसे किया आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड सी है, आप चाहें तो सी डबल बॉन्ड सी को ऐसे लिख सकते हैं। आप ये समझने का ट्राई करो कि सी डबल बॉन्ड सी को अगर मैं चाहूँ तो इस पाई बॉन्ड को एक साइड में आप शिफ्ट कर दें, तो सी सिंगल बॉन्ड सी सी पे प्लस और एक सी पे माइनस हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो ई प्लस है, ये ई प्लस को आप जो सी पे माइनस है सी माइनस को ई प्लस से आप अटैच कर दें, तो ये बन जाएगा सी पे प्लस सिंगल बॉन्ड सी से ई। ये प्रोडक्ट बन गया। मतलब सीखा क्या हमने कि कहीं भी अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो आप इसको एक सी पे माइनस और एक सी पे प्लस, और जिस सी पे माइनस है उस पे आप ई प्लस से अटैच कर दें, क्लियर है। अब यहाँ पे सी पे प्लस है, अब देखिए नेक्स्ट क्या अटैक करेगा। इस मॉलिक्यूल में सी पे प्लस है, अब एन यू माइनस अटैक करेगा, तो ये एन यू माइनस इस सी प्लस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? सी सी पे एन यू बन जाएगा, सिंगल पॉइंट सी पे ई रहेगा, क्लियर है। तो यार ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली दो स्टेप में हो रहा है, इसलिए मैं पहले यही रिस्क कर देता हूँ। ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, स्टेप वन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है एंड स्टेप टू में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। दिख रहा है आपको? ये रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन है, स्टेप वन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन एंड स्टेप टू में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। लेकिन ये जो स्टेप टू है, अगर आप स्टेप टू पे अगर गौर से देखेंगे तो ये स्टेप टू पे क्या हो रहा है, सी पे प्लस है और इस पे एन यू माइनस अटैक कर रहा है। मीन्स सी पे डायरेक्ट प्लस है, साक्षात प्लस है, तो इस पे एन यू माइनस बहुत फटाक से अटैक करेगा, क्लियर है। तो सेकेंड वाला स्टेप यहाँ पे फास्ट होता है और फर्स्ट वाला स्टेप स्लो होता है। मीन्स फर्स्ट स्टेप अगर स्लो होगा, इसलिए यहाँ पे आर डी एस कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप होगा। तो अब सिंस आर डी एस में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, आर डी एस में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन हो रहा है, राइट। लेकिन आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन नोट में। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस। इन फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस एंड इन सेकेंड स्टेप एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस
एंड इन सेकेंड स्टेप एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस. क्लियर है? पॉइंट नंबर टू, आप यहाँ पे देखेंगे जो इंटरमीडिएट है, मतलब अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, देखिए आप, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में जो बन रहा है न्यूक्लियोफाइल, जो सी डबल बॉन्ड सी है, इस पर ई प्लस ने अटैक किया, तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन रहा है, राइट? फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है. तो आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है. क्लियर है? तो अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो आपको पता है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. तो आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि इन आर डी एस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन आर डी एस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट. पॉइंट नंबर थ्री, अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने से पहले अब आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना चाहिए. तो आप लिख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल. रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल. एंड पॉइंट नंबर फोर, मेजर प्रोडक्ट किससे फॉर्म होगा, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, आप रीअरेंजमेंट करें, फिर जो भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उससे आप मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करें. तो पॉइंट नंबर फोर लिखिए कि मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड वाया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन. एंड पॉइंट नंबर फाइव, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ये मेरा आरडीएस स्टेप है, राइट? आपको दिख रहा है ये? तो ये जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा, यहाँ पे अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, राइट? तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. तो आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ सबस्ट्रेट. फिर ये भी बोल सकते हैं, अभी जो अल्कीन है, अल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे इंक्रीज होगा, तो अल्कीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है और इसमें आपने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सी डबल बॉन्ड सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा. तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मतलब अल्कीन. अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन सबस्ट्रेट. ये बोल सकते हैं. फिर से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, राइट, अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, मतलब ये जो मैंने कार्बोकेटायन फॉर्म किया है, अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, राइट, ये जो कार्बोकेटायन है अगर ये स्टेबल है तो फिर क्या होगा, कार्बोकेटायन स्टेबल है मीन्स फटाक से फॉर्म होगा. आरडीएस में अगर फटाक से फॉर्म होगा
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखें आप, राइट। और चलिए कुछ प्रॉब्लम लिखते हैं इस पे। प्रॉब्लम है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप, या अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट है ए, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन बी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन सी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2। ऑप्शन डी इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL। ये आपको ट्राई करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड में ए है कि बेंजीन और चलिए इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपन। ये मैंने 4 बेंजीन ले लिया और ये ए बी सी डी। बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड सी है, ए पे कुछ नहीं अटैच है, बी पे मिथाइल अटैच है, सी पे इथाइल अटैच है, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अटैच है। लेकिन आपको ट्राई करना है। फिर थर्ड भी कुछ ऐसा ही है। ऑप्शन ए से, थर्ड में भी 4 ऑप्शन है। ए पे तो कुछ नहीं अटैच है, जस्ट बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड सी है, बी में जस्ट मिथाइल अटैच है, सी ऑप्शन में ओ एम ई अटैच है, एंड डी ऑप्शन में NO2 अटैच्ड है। थर्ड के बाद चलिए फोर्थ क्वेश्चन में। फिर से यहाँ पे बेंजीन ही है अटैच है, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे ए बी एंड सी, ए में कुछ नहीं अटैच है, बी पे NO2 अटैच है, एंड सी पे मेटा पे NO2 अटैच है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन ए में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3, एंड ऑप्शन बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NHCH3। सिक्स्थ में ऑप्शन ए है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OCH3, एंड ऑप्शन बी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2NHCH3। चलिए आप ट्राई करिए सिक्स
क्वेश्चन है टोटल, आपको सिर्फ करना क्या है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ट्राई करना है। आप लिखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं प्रॉब्लम। सेवेंथ क्वेश्चन, बेंजीन पे CH3 CD3 एंड ऑप्शन सी है, बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड CT3 है, तो ये सारे पैरा पे अटैच हैं। एट्थ क्वेश्चन है, चलो एक एट्थ भी लिख सकते हो आप, बेंजीन पे मेटा पे CH3 ऑप्शन बी, बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड सी मेटा पे CD3 एंड ऑप्शन सी है, बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे CT3 है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सी डबल बॉन्ड सी है, ए में कुछ नहीं है, बी में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक प्लस आई या प्लस एच बोल सकते हो आप। ऑप्शन सी में NO2 का माइनस एम होगा, राइट, एंड ऑप्शन डी में हैलोजन का माइनस आई लगता है, राइट right? तो अगर हैलोजन का माइनस आई होगा तो अब आप प्री एक्टिविटी स्टार्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए बी का सबसे ज़्यादा, सी और डी में तो डिक्रीज होगा इसलिए बी के बाद नंबर आएगा ए का, ए के बाद अगर देखें सी में माइनस एम और डी में माइनस आई, तो सी का तो रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगा, तो बी के बाद ए, ए के बाद नंबर आएगा डी, डी के बाद नंबर आएगा सी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी ए डी सी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड सी अटैच है और यहाँ पे बेंजीन पे कुछ भी अटैच नहीं है, बी में CH3 है मतलब यहाँ पे इसका प्लस एच लगेगा और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी पैरा पे CH2 CH3 है तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और डी ऑप्शन में 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी बी का होगा, फिर सी, फिर डी, फिर ए का, राइट, बिकॉज यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, इसके पैरा पे मिथाइल अटैच है, राइट। थर्ड अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड सी अटैच है, ऑप्शन बी में बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पे पैरा पे CH3 है, मीन्स इसका प्लस एच होगा, ओ एम ई का प्लस एम होगा और NO2 का माइनस एम होगा, राइट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए एंड लास्ट में क्या होगा, डी दिल्ली, दिल्ली माइनस एम के कारण सबसे कम होगा। फोर्थ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन ए में तो बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड सी है लेकिन ऑप्शन बी में पैरा पे NO2 अटैच्ड है, NO2 का पैरा पे है इसलिए इसका माइनस एम, लेकिन सी ऑप्शन में NO2 मेटा पे है, सी डबल बॉन्ड सी के मेटा पे है इसका माइनस आई लगेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ए का होगा, ए के बाद नंबर आएगा सी का, सी के बाद नंबर आएगा बी का। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में ओ सी एच थ्री का प्लस एम लगेगा लेकिन एन एच सी एच थ्री का और ज़्यादा प्लस एम लगेगा, तो अगर प्लस एम इंक्रीज होगा तो फिर रिएक्टिविटी और इंक्रीज होगा, तो फिफ्थ में बी ग्रेटर देन ए होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखा जाए तो इस ओ सी एच थ्री का माइनस आई लगेगा सी डबल बॉन्ड सी पे, माइनस आई, और एन एच सी एच थ्री का भी माइनस आई होगा लेकिन ये माइनस आई रिलेटिवली वीक होगा, तो ऑप्शन ए में माइनस आई स्ट्रांग है रिलेटिवली, तो ऑप्शन ए का रिएक्टिविटी कम होगा, बी का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, सी का भी ऑप्शन होगा बी ग्रेटर देन ए। सेवेंथ अगर क्वेश्चन देखा जाए तो सेवेंथ क्वेश्चन में सी एच थ्री का प्लस एच, सी डी थ्री भी प्लस एच लेकिन इसका प्लस एच सी एच थ्री से थोड़ा सा कम होता है, सी टी थ्री भी प्लस एच लगाएगा लेकिन इसका प्लस एच और कम होता है, तो सबसे ज़्यादा प्लस एच सी एच थ्री का होता है इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ए होगा, ए के बाद नंबर आएगा बी, बी के बाद नंबर आएगा सी। एट्थ क्वेश्चन में देखा जाए
यहाँ भी सी एच थ्री सी डी थ्री और सी टी थ्री है, सी एच थ्री मेटा पे है प्लस आई होगा, राइट। सी डी थ्री भी मेटा पे है तो इसका प्लस आई सी एच थ्री से भी ज़्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग प्लस आई, सी टी थ्री का प्लस आई सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। तो इसलिए देखो ये प्लस एच प्लस आई ये सब जी ओ सी में हमने पढ़ा था, थोड़ा आप जी ओ सी ट्राई करें रिवाइज करने का, हमेशा जी ओ सी ऑलवेज यूज होता है। चलिए अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ एच एक्स, एच एक्स के साथ रिएक्शन है। जैसे मान ली रिएक्शन क्या है यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, इस पर अगर आपने एच एक्स का रिएक्शन किया तो रिएक्शन हो जाएगा सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू, एक सी एच टू पे एच अटैच कर दो, एक सी एच टू पे एक्स अटैच कर दो, ये हो गया फाइनल रिएक्शन। और अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो मैकेनिज्म मैंने आपको जैसे लास्ट में बताया था कुछ वैसा ही होगा। मीन्स यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, फर्स्ट स्टेप में एच एक्स को ब्रेक कर लो एच प्लस और एक्स माइनस में, तो पहले स्टेप में एच प्लस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा सी एच टू प्लस सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा सी एच टू पे एक्स सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, और स्टेप वन इसमें स्लो होता है तो स्टेप वन आर डी एस होगा, राइट। तो अगर आप इसमें अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करो तो ये रिएक्शन टू स्टेप में हो रहा है, तो अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा एंड वाई एक्सिस पे एनर्जी होगा। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। आप देखेंगे कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, मतलब और फाइनली प्रोडक्ट में सी एच टू सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड एक्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जो एक्स्ट्रा है ये ब्रेक हो गया है, और यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये फॉर्म हुआ है, तो दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सिंस दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रांग बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो कभी भी स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म होंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, मीन्स ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे रहेगा, राइट। सिंस ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, स्टेप वन से अगर आप स्टेप टू जाएंगे तो सिंस ये आरडीएस है, आरडीएस है मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, क्लियर है। फिर सेकेंड स्टेप पर एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटिवली कम होगा, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सिंस दो स्टेप रिएक्शन है इसलिए दो पीक्स हैं यहाँ पे, और ये जो मिडल में आपको दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, ये बेसिकली इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, ये कार्बोकेटायन है, क्लियर है। जैसे कि चलिए अपन सिंपल सा एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए रिएक्शन देते हैं कि सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इस पर आपको रिएक्शन करना है एच सी एल का, ठीक, दिमाग लगाइए आप। तो देखो यार इसमें एच सी एल का रिएक्शन करना है तो पहले स्टेप में आप एच प्लस अटैक करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एच प्लस अटैक करोगे, तो मैंने क्या बोला था सी डबल बॉन्ड सी को आप माइनस और प्लस में लिख लो, क्लियर है। तो माइनस और प्लस में कैसे लिखोगे, इसलिए की पॉइंट ये है कि जो मिथाइल अटैच है, देखिए सी डबल बॉन्ड सी पे आपको यहाँ पे मिथाइल अटैच हुआ दिख रहा होगा, तो ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड इस साइड में लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन में राइट में डेल्टा माइनस और लेफ्ट पे डेल्टा प्लस होगा, क्लियर है। और जहाँ पे डेल्टा माइनस है आप वहाँ पे एच प्लस अटैच कर दें, तो ये बनेगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच प्लस सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। नेक्स्ट स्टेप में आप सी एल माइनस अटैच कर दें, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है नहीं, अब ऑलरेडी स्टेबल है सी एच थ्री सी एच सी एल सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी सी एच थ्री
CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? तो देखो यार, इस एग्जांपल को देख के एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था मार्कोनिकोव, ठीक। तो उन्होंने अपना रूल बना दिया यार, तो उन्होंने एक नया रूल दिया, मार्कोनिकोव्स रूल। अभी मार्कोनिकोव्स रूल क्या है? मार्कोनिकोव ने ये बोला कि कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे रिएक्शन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपको समझ में आ रहा है, जैसे ये अल्कीन दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड सी है और एक पे मिथाइल अटैच है, एक पे कुछ भी नहीं है, तो अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है इस पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, राइट, तो आप देख रहे हैं जो सी एल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, जो सी एल है और यहाँ पे एच है, एच सी एल में एच प्लस है और सी एल माइनस है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो एच प्लस कहाँ पे ऐड हुआ है? एच प्लस सी एच टू पे ऐड हो रहा है और सी एल सी एच पे अटैच हो रहा है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पे सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू था, तो इस पे एक सी एच पे मिडल वाले पे सी एल अटैच हो गया और राइट वाले सी एच टू पे एच अटैच हो गया, फाइनली बन गया ये सी एच थ्री सी एच सी एल सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। क्लियर है? तो इन्होंने ये बोला कि अब रूल बनाया ये कि कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे रिएक्शन होगा तो जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है, जैसे एच सी एल में एच सी एल का पॉजिटिव पार्ट क्या है? एच प्लस है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, फर्स्ट वाले कार्बन के पास वन हाइड्रोजन है, सेकेंड वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा? उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है? ये सी एच थ्री वाला ये अल्कीन का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे। तो मार्कोनिकोव का रूल लिख लेते हैं। तो रूल ये है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल गो ऑन दैट विनाइलिक कार्बन समझते हैं आप, विनाइलिक कार्बन मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन, तो विल गो ऑन दैट विनाइलिक कार्बन which has more number of hydrogen। तो फिर से मैं रूल एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल गो ऑन दैट विनाइलिक कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये सिंपल सा रूल है, आप बोर्ड के लिए ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन देखो यार, ये जो रूल है मार्कोनिकोव रूल, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। जैसे समझें आप, अगर आपको यहाँ पे रिएक्शन करना है NO2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर HCl का रिएक्शन करना है, अब बताओ मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग CH2 वाले पे एच आना चाहिए और CH पे CL आना चाहिए, लेकिन अगर अपन खुद का दिमाग लगाएं GOC से, तो NO2 माइनस एम ग्रुप है, राइट? माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो इस CH पे माइनस और इस CH2 पे प्लस आएगा, इसलिए H प्लस कहाँ पे आना चाहिए, तो H प्लस आना चाहिए CH माइनस पे और CL माइनस अटैच होना चाहिए CH2 पे, मीन्स प्रोडक्ट बनना चाहिए
एनओ टू सी एच एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एल मीन्स यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया राइट. चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ. जैसे ये समझे कि लेट्स से सी सी एल थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है. इस पे अगर एच सी एल का एडिशन है राइट तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे सी सी एल थ्री ये माइनस एच ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपने साइड तो इधर माइनस इधर प्लस आएगा. क्लियर है. तो एच कहाँ पे अटैच करेंगे आप सी एच माइनस पे और सी एल माइनस कहाँ पे अटैच करेंगे सी एच टू पे. तो ये बन जाएगा सी सी एल थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एल. क्लियर है. मतलब ये सब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं कर रहा तो डू नॉट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल. क्लियर है. तो अपने को क्या यूज करना है अब. तो अब रिएक्शन में अपन क्या यूज करेंगे अपन मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे. चलिए हेडिंग दीजिए मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल तो अपन क्या करने वाले हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेंगे और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे. जहाँ पे कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है वहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. तो मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल क्या है ये है मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द मोस्ट स्टेबल ऑन द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन. मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बाई द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन. तो आप पहले एच प्लस फॉर्म करके मतलब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए फिर उस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें. जैसे इसमें देखिए अगर मुझे एनओ टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू पे रिएक्शन करना है पहले स्टेप में एच प्लस अटैक करेगा राइट. तो एच प्लस अगर अटैक करेगा तो आपको पता है पहले समझें आप कि मान लो सी डबल बॉन्ड सी है किसी भी एल्किन को आप इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने से पहले आप ऐसे लिखेंगे सी सिंगल बॉन्ड सी एक पे माइनस और एक पे प्लस लिखेंगे और जहाँ भी माइनस लिखेंगे उस पे आप एच प्लस अटैक करके सी सिंगल बॉन्ड एच बनाने वाले हैं. तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है तो आपको कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बनाना है राइट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन में अगर मैं देखूं ये जो दिया एनओ टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एच प्लस का अटैक करूंगा अगर मैं एच प्लस यहां पे अटैक करूं एच प्लस तो माइनस प्लस चार्ज यहाँ पे फॉर्म होगा राइट. और अगर मैं एच प्लस यहाँ पे अटैक करूँ तो प्लस चार्ज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो प्लस चार्ज दोनों में से कहाँ पे स्टेबल है आपको पता है एनओ टू का माइनस एम इफेक्ट होता है तो प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है. ए माइनस एम के जितना दूर रखोगे प्लस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. इसीलिए मैं एच प्लस इस सी एच पे अटैक करूँगा सो दैट सी एच टू पे प्लस स्टेबल फॉर्म हो. क्लियर है. तो ये आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इससे और क्लियर होगा. नहीं समझें आप पहला रिएक्शन है कि इस पे एच एक्स का रिएक्शन करना है. सबसे पहले मैं एच प्लस अटैक करूँगा तो मैं एच प्लस अटैक करूँगा तो दो पॉसिबिलिटी है प्लस फॉर्म होने का. आपको पता है अगर यहाँ पे वन पे प्लस फॉर्म करूँ तो ये वन डिग्री बनेगा टू पे अगर प्लस फॉर्म करूँ तो ये टू डिग्री फॉर्म होगा. टू डिग्री मोर स्टेबल है इसलिए मैं टू पे प्लस चार्ज फॉर्म करूंगा राइट.
प्लस फॉर्म करने के बाद आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं रीअरेंजमेंट करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अब इस पे आप एक्स माइनस अटैक कर दें, तो एक्स माइनस अगर अटैक करेंगे तो हैलोजन ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया प्रोडक्ट। चलिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइव मेंबर रिंग, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, फिर इस पे एच एक्स का रिएक्शन। तो आपके पास प्लस फॉर्म करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, राइट। आइधर आप इस पोजीशन पे फॉर्म कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है, इसलिए एच प्लस का अटैक करके आप प्लस यहाँ पे फॉर्म करें। फाइव मेंबर के बाहर प्लस है तो आप रिंग एक्सपेंशन करना चाहेंगे, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो। तो क्या करें, लेट्स से मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करके मैं यहाँ से अटैच कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग, आप एक्सपेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे प्लस रहेगा। फिर से आप प्लस चार्ज को शिफ्ट करें, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाए, इसके बाद आप एक्स माइनस अटैक कर दें। मतलब आपको करना क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे एच एक्स का रिएक्शन, सोचिए क्या बनेगा। फिर से एच प्लस को अटैक करके आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, तो आप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएं, ये हो गया। फिर अब एक्स माइनस का अटैक करें तो यहाँ पे हैलोजन आ गया, राइट। फोर्थ एग्जांपल, चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस पे एच एक्स का रिएक्शन। तो पहले आप एच प्लस अटैक करें, तो दोनों साइड में कहीं भी आप फॉर्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्लस आया, 4 मेंबर के बाहर प्लस है तो आप इसको एक को, जिस इस 4 मेंबर के बाहर प्लस है तो आप 4 मेंबर को रिंग एक्सपेंशन करें, तो ये आप कर सकते हैं रिएक्शन, अपन ने एक ट्राई किया है। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, आप नीचे भी लगा सकते थे। फिर से इस 4 मेंबर के बाहर प्लस है तो आप इसका भी रिंग एक्सपेंशन कर लें, ये 5 मेंबर रिंग, ये भी 5 मेंबर रिंग हो जाएगा। यहाँ पे प्लस अभी मोर स्टेबल है, अब इस पे आप एक्स माइनस का अटैक कर लें, 5 मेंबर रिंग, यहाँ भी 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे एक्स हो गया। मतलब करना क्या है, सबसे पहले तो आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएं, फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट करें, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें, राइट। चलिए इसमें सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मतलब अल्कीन पे देखिए, नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रेट, हाइड्रेट वाटर को बोलते हैं, तो मतलब एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन, अपने को वाटर पे अल्कीन का एडिशन करना है। अब देखिए अल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अगर मैं इसमें वाटर का एडिशन करूँ, मतलब वाटर अटैक करूँ, तो आपको पता है कि अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा क्या, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अल्कीन पे वाटर का एडिशन करना है तो पहले आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पड़ेगा, पहले आप एच प्लस अटैक कर दें फिर वाटर अटैक करें, तो आपको एच प्लस और वाटर लिखा मिल जाए, या फिर आपको डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ मिल जाए, या फिर आपको H3O+ लिखा हुआ मिल जाए। H3O+ का भी मतलब होता है H2O एंड H+, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा
सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच, ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा है, अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो चलिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, स्टेप वन में एच प्लस अटैक करेगा, राइट तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू प्लस, ये स्टेप आर डी एस होता है। नेक्स्ट स्टेप में एच टू अटैक करेगा तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ एच टू पे प्लस, फिर आप एच प्लस रिमूव कर दें, एच प्लस वाटर ले जाएगा एच थ्री ओ प्लस के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट आपका। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि आर डी एस में कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आप चाहें तो लिख सकते हैं ये लाइन कि इन आर डी एस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट एंड एक चीज और, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, राइट। तो चलिए इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है, इसमें फाइव मेंबर रिंग है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर। तो डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर का भी मतलब यही है, एच प्लस और वाटर। तो चलिए सबसे पहले एच प्लस का अटैक करेंगे, तो फाइव मेंबर रिंग के बाहर प्लस फॉर्म होगा, फिर फाइव मेंबर रिंग को आप क्या करेंगे पता है, आप रिंग एक्सपेंशन करके सिक्स मेंबर रिंग में कन्वर्ट करें, फिर से आप यहाँ पे प्लस फॉर्म हो जाएगा, लास्ट में एच टू अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आप क्या अटैच कर देंगे, ओ एच अटैच कर देंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू पे एच प्लस और डी टू ओ है, राइट तो ये ट्राई करें हम, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पहले स्टेप में तो H प्लस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, सी एच टू पे प्लस रहेगा और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री ये बनेगा, फिर इस पे डी टू ओ का अटैक करेगा, तो डी टू ओ से ओ डी आएगा, तो प्रोडक्ट विल बी सी एच टू ओ डी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। बहुत ही सिंपल था, लेकिन अगर कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब आप यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू पे डी प्लस और एच टू ओ अटैक करेंगे। तो अगर डी प्लस और एच टू है, फिर सोचें आप क्या होगा प्रोडक्ट। चलिए सबसे पहले तो डी प्लस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा सी एच टू पे प्लस सिंगल बॉन्ड सी एच टू डी, क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लस एच इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का या ड्यूटेरियम का। हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम से, नंबर वन थिंग। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करूं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम से। इस केस में क्या हो रहा है, इस कार्बोकेटायन के पास टू अल्फा हाइड्रोजन है
और वन अल्फा ड्यूटेरियम है, राइट। लेकिन अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH+D। इसके पास थ्री अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको पता है कि प्लस एच इफेक्ट हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, इसलिए सेकेंड वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, राइट। अब इस पे आप H2O का अटैक करो, तो H2O का अगर अटैक करोगे तो OH आएगा, क्लियर है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHD सिंगल बॉन्ड OH। थर्ड प्रॉब्लम, सिक्स मेंबर रिंग है और इस पे डाइल्यूट H2SO4। ये ट्राई करें आप। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इस पे डाइल्यूट H2SO4 एंड फिफ्थ वन, फाइव मेंबर रिंग, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है। तो अब थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ट्राई करें। थर्ड में मैं कार्बोकेटायन कहाँ पे बनाऊँगा, तो थर्ड क्वेश्चन में कार्बोकेटायन आप 3 डिग्री पे बनाएंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और लास्ट में आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे OH का अटैक कर दें, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री है, तो ये OH हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे प्लस है, ये ऑलरेडी इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन। आप सोचें रीअरेंजमेंट होगा क्या, तो अगर आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो उसके पास जस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो शिफ्टिंग से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो शिफ्ट नहीं होगा, जस्ट यहीं पे आप OH अटैच कर दें, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस फॉर्म होगा, फिर इस पे आप OH अटैच कर दें, क्लियर है। चलिए, ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।